अब बढ़ रहा है, उसको लेके क्या कहना है? आज गोहाना में भी श्रमिकारों से मीटिंग हुई है, तो क्या आश्वासन दिया है इनको? अभी मेरी एसपी साहब से बात हुई है लोगों के बीच में बैठ के, माननीय सीएम साहब से भी मैंने फोन मिलाया, वो मीटिंग में व्यस्त है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं होना वास्तव में एक चिंता का विषय है। व्यापारी का अपने आप को असुरक्षित महसूस करना या किसी का भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, ये एक कानून और व्यवस्था की जो गड़बड़ है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें मेरी डीजीपी साहब से भी कल बात हुई थी, तो वो भी गंभीर हैं इस विषय में, और मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं, और बहुत जल्दी ही इस क्राइम के ऊपर कंट्रोल करने के लिए की विशेष व्यवस्था सरकार की तरफ से विशेष स्टेप उठाए जाएंगे, और इस किस्म के अपराधिक तत्व जिनका हौसला बुलंद होता जा रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए विशेष सार्थक कदम उठाए जाएंगे, ऐसा मैं आपको कंगना जी क्या मानते हैं? ग्राफ बढ़ा है, क्राइम ग्राफ बढ़ा है, क्या मानते हैं पिछले 6 महीने में क्राइम ग्राफ बढ़ा है? ये मानते हैं जैसे घटनाएं सामने आ रही हैं कि क्राइम बढ़ा है। आज भी गोहाना के अंदर आज भी वारदात हुई है, मर्डर हुआ है, रोहतक के अंदर भी हुआ है, पिछले दिनों 4-5 आदमी मारे गए। तो इस किस्म के अपराधियों के हौसले बुलंद होना ही एक चिंता का विषय है, लेकिन इसमें बहुत ही जल्दी इसको कंट्रोल करने के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। गंगना साहब, जिस तरह से किसान लगातार बैठे हुए हैं, 100 दिन हो चुके हैं, क्या मानते हैं? इस तरह बात वार्ता पहले भी हुई थी, अब उन्होंने पूरे 1 महीने की रणनीति बनाई है, गर्मी में आगे रोड जाम, केएमपी जाम, तो अब क्या रहेगा? सरकार की तरफ से क्या मानते हैं, क्या कहना है? देखिए, सरकार ने बाकायदा बार बार किसानों से, उनके प्रतिनिधि मंडलों से बात की है, और कृषि विधेयक के बारे में विस्तार से उनको समझाया गया है कि उसमें कहीं भी किसानों के हित के खिलाफ कोई स्टेप नहीं सरकार उठा रही है। और मोदी सरकार तो किसानों के खिलाफ क्या किसी के खिलाफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कदम उठाएगी? तो लेकिन इस किसान आंदोलन में राजनीति घुसी हुई है, ये किसान आंदोलन की बजाय कांग्रेस आंदोलन ज़्यादा हो गया है, इसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, और किसान, आम किसान तो इस बात को समझने लग गया है, वहाँ पर भीड़ कम हो गई है और वो लगातार इससे अपना किनारा करने लग रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित जो नेता लोग हैं जिनकी अपने निहित स्वार्थ इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने जिनको अपने भाषण में कोट किया है, वो लोग समझते हुए भी समझने देना नहीं चाहते। वो सारी स्थिति को समझते हैं कि कहीं भी कृषि विधेयक में किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अंदर की एक भावना ये है कि किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जाए, और यही एक मौका है कि बूढ़े किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के और नरेंद्र मोदी जी की इमेज को डाउन किया जाए। लेकिन किसान की ये बात समझ में आ गई है, कांग्रेस की समझ में आने वाली है नहीं, कम्युनिस्टों की समझ में आने वाली नहीं है। जिस दिन किसान इस बात को समझ जाएगा कि तुम्हारे कंधों का गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसी दिन ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर, प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। देखिए, पेट्रोल डीजल का भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड के मूल्य होते हैं उनके ऊपर तय होता है, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसे जैसे कच्चे तेल के भाव विश्व में बढ़े हैं तो सब जगह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जैसे डाउन होते हैं तो डाउन भी आ जाती हैं। पहले भी 80-82 तक पेट्रोल जा चुका है, उसके बाद डाउन भी आ चुका है, तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसका भाव डिसाइड होता है, ये कोई एक इंडिया की रसोई गैस का भी यही हाल है, रसोई गैस भी लगातार 25 रुपये बढ़ाई गई है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, देश की अर्थव्यवस्था को हमने स्टेबल रखना था, अगर वो चरमरा जाती तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का मतलब है कि हम विश्व रंगमंच के ऊपर डाउन हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों की सब्सिडी कम करके, कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ा के अगर अर्थव्यवस्था को काबू किया जाता है और हम एक वैश्विक स्तर के ऊपर हमारी अपने एग्जिस्टेंस को सही रखते हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं चुकाते हम इस किस्म के लिए। आपात के लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए, जनता को भी तैयार रहना चाहिए। का लोन सस्ता क्या? और गरीब आदमी के लिए हर चीज महंगी, ये कहाँ की वो नहीं, कौन सी चीज नहीं? व्यापारी के लिए लोन सस्ता किया कुछ दिन पहले सरकार ने, उनको लोन दिया जा रहा है, लेकिन निचले स्तर पर महंगाई की जा रही है। लोन का जहां तक मामला है, लोन गरीब व्यक्ति कहाँ से करेगा? लोन तो गरीब आदमी के लिए भी सस्ता है। लोन तो अगर आप जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनका 24% ब्याज था, और 5,000 रुपये नकद देते थे, 5,000 का खाद
दे देते थे और एक किस्त भी टूट जाती तो किसान को पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया करते थे। थाने की हवालात अलग थी, वो अन्य अपराधियों के लिए थी, उनके लिए अविष्कार एक्ट भी था, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून, 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ता था अदालत में। लेकिन बेचारा किसान तो अगर 500 रुपये की किस्त टूट गई और 500 रुपये नहीं भरे गए तो चाहे 42 दिन उसमें बैठा रहता तहसील के हवालात में। इतने बुरे कानून थे कांग्रेस के समय में। आज बीजेपी के समय में तो अटल बिहारी वाजपेयी आए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, 24% ब्याज को घटा के 7% किया, और आज अगर कोई किसान समय के ऊपर किस्त भरता है तो उसका 4% ब्याज सब्सिडी देती है सरकार।